हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ 3.3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको बताना है ये जो सॉरी ये आपको नहीं गिवन, तो उसने बोला कि इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो आपको बताना है, और जो आपके फिलअप्स इनको फिल करो, ठीक है। प्रॉपर्टी भी बतानी है और फिलअप्स को भी फिल करना है। सबसे बड़ी बात एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जिस भी पॉइंट पे मिलते हैं उस वाली लाइन को वो इक्वल दो पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेलल साइड्स वाले वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कौन सा एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का। थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो पहले आ जाओ, इसने बोला दैट AD के बारे में क्या लिख सकती हूँ बेटा, AD इज़ पैरेलल टू बी सी और AD इज इक्वल टू BC। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी या इक्वल होंगी, या पैरेलल होंगी या इक्वल होंगी। तो बेटा मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, दैट AD इज इक्वल टू BC लिख सकती हूँ। रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पहले भी लिख सकते हो, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल DCB इक्वल टू, मैंने अभी अभी आपको बताया एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इस एंगल के अपोजिट इसके साथ सामने कौन सा एंगल है, ये, दिस इज अपोजिट टू दिस, तो DCB इज इक्वल टू एंगल DAB, तो एंगल DAB, तो क्या लिखोगे, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, OC, दैट OC मैंने आपको बताया था जिस भी डायगनल की बात करें जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना उससे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल। मैंने OC की बात की है तो OC किसके इक्वल हो जाएगा, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या है बेटा, OA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। अब लास्ट पे आ जाओ, उसने बोला एम ऑफ एंगल DAB, एम मैं बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच गया एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यानी कि DAB ये वाला एंगल प्लस CDA प्लस एंगल CDA, ठीक है, DAB, ये मैंने गलत लिख दिया, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, DAB प्लस एंगल प्लस यानी कि ये वाला एंगल प्लस CDA यानी कि ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है बेटा, एक ही साइड पे हैं, तो ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, m इंटू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट नंबर फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ इफ दीज आर पैरेललोग्राम्स। ये दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है बेटा, दीज आर पैरेललोग्राम्स। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होंगी आप इजीली कर लोगे। दिस इज 100, दिस इज एंगल वाई, दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल जेड। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं तो बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बनाएंगे, रीजन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और एंगल बी कितना दिया हुआ है 100 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। राइट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होंगे तो बेटा वाई इज इक्वल टू 100, इसके अपोजिट ये, अपोजिट का मतलब बिल्कुल टक्कर में बेटा सामने, तो जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, इन सेम वे आपको कुछ शेप दी हुई है सेकंड पार्ट में। दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज 50 एंड दिस इज वाई। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सबसे बेटा पहले अगर ये वाला एंगल मैं 1 मान लूँ, दिस इज एंगल 1। ठीक है, तो बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इक्वल, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। एंड एंगल 1 प्लस एंगल जेड क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। 1 की वैल्यू क्या है 50 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो यहाँ से एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो एंगल जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। आ गई जेड की वैल्यू। अब देखो बेटा ये दोनों भी तो सेम बनाएंगे ना, अगर मैं बात करूँ ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस और दिस ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, ठीक है, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लिख सकते, रीजन पैरेलल साइड्स आर नॉट गिवन, कि भाई ये तो गिवन है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, पर ये तो नहीं दिया हुआ ना, तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बन गया आपका एडजेसेंट साइड। तो एंगल 1 इज गिवन टू बी 50 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, सो एंगल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। इफ दिस इज 130 तो एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130, रीजन क्या है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बेटा आपको क्या कह रहे हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, रीजन जो भी आपका है ये रोम्बस है या काइट है, तो ये सारे के सारे एंगल्स कितने के होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री पे ही तो बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबको समझ आ गया। अगर मैं बात करूँ दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल, सो एक्स प्लस वाई प्लस 3 डिग्री, 3 तो नहीं होना चाहिए, आई होप इट इज़ 30। ठीक है, तो इट इज़ 30, मैं 30 से कर रही हूँ, 3 हो आप 3 से कर लेना। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा x कितने का आ गया 90 प्लस 30 प्लस y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल y आपका कितने का आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ये सबको समझ आ गया, यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। जो y की वैल्यू होगी आपको पता है बेटा, जो ये लंबे वाली जो लाइन होती है, लंबे वाला डायगनल होता है, वो टू इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है, डिवाइड। तो ये y 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 60। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z विच इज ऑल्सो 60 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज z, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 80 तो ये भी 80, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल, ठीक है। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल। x प्लस वाई 180 डिग्री बनाएंगे, रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, सो y इज इक्वल टू 100, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बेटा x आएगा यहाँ पे, y की तो वैल्यू आपने फाइंड की है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 100। अगर x 100 है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 100, दिस इज ऑल्सो 100, ठीक है। अगर ये 100 है तो बेटा 100 प्लस z इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर, सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। अब आते हैं आपके लास्ट पार्ट पे। ये आपका एंगल वाई, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज जेड, दिस इज 112 एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा दिस इज अ ट्राइंगल, बहुत इजी वे से करा रही हूँ मैं, नहीं चल रही डिफिकल्ट वे से। दिस अगर मैं बात करूँ तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो दिस प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल वाई इज इक्वल टू 112, रीजन अपोजिट एंगल, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो बेटा दिस इज अ ट्राइंगल और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ दैट 40 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 40 प्लस 112 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो टू, दिस इज 4 प्लस 1 5, दिस इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 152, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ से बेटा 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8, सो यहाँ 7 7 माइनस 2, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया 28 डिग्री, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड विच इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन, ठीक है। ये कौन से एंगल होते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। थैंक यू सो मच।